हे माई लवली पीपल आउट देयर, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल. फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग हैप्पी एंड सेफ होंगे. आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ कुछ फुटवेयर शेयर करूंगी जिन्हें रिसेंटली मैंने आजियो से परचेज करा है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. मैं इसी तरीके के रिव्यू वीडियोज अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ. चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट फुटवेयर इज अ पेयर ऑफ बेलीज, बेलेरीना कुछ भी कह लो, फ्रॉम द ब्रांड कार्लेटन लंडन. एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स. मेरे पास मैक्सिमम जितने भी फुटवेयर है ना वो इसी ब्रांड से हैं. कभी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरे फुटवेयर की कलेक्शन शेयर करूंगी एंड आप उसमें देखोगे कि जो मेरे पास ज्यादातर फुटवेयर है ना वो इसी ब्रांड से हैं. मुझे इस ब्रांड को यूज करते हुए लगभग 4 to 5 years अब हो चुके हैं. मुझे ये बहुत पसंद आते हैं. इनके जो फुटवेयर्स होते हैं ना फ्रेंड्स वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं पहनने पे, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, काफी सालों साल तक ये चल पड़ते हैं. सो चलिए मैं आपको इन्हें ओपन करके दिखाती हूँ. सो बॉक्स की हालत इसी तरीके से आई थी. सो आउटर बॉक्स तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया बट अंदर जो प्रोडक्ट था दैट वॉज टोटली फाइन. सो इस तरीके की पैकेजिंग में ये बेलीज आई थी. मुझे इनका कलर फ्रेंड्स काफी ज्यादा पसंद आया था इसीलिए मैंने इन्हें फटाफट से परचेज कर लिया था. सो आप देख सकते हो दिस इज टैन ब्राउन इन कलर एंड यहाँ पे ब्रांड टैग भी मैं आपको दिखा देती हूँ. यू कैन सी इसका जो MRP है दैट इज ₹1995. मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी बट जो इसका एक्चुअल प्राइस मैंने पे किया था दैट इज ₹500 एंड आई एम इन द साइज UK 4 एंड EU 37. साइज चार्ट मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे यहाँ पे साइड पे मेंशन कर दूंगी. ठीक है, सो तो ये कुछ इस तरीके से हैं. इसमें गाइज आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं. एक तो ये है फर्स्ट टैन ब्राउन, सेकंड ब्लैक कलर ऑप्शन एंड थर्ड वन इज गोल्डन. मैक्सिमम टाइम ये फुटवेयर आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं सो यू हैव टू कीप एन आई. जब भी ये स्टॉक में आए आप इन्हें परचेज कर सकते हो. ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हैं. फ्रंट में ये शाइनी मटेरियल दे रखा है एंड यहाँ पे ये लाइट टैन ब्राउन कलर है एंड यहाँ पे आपको मैं कार्लेटन लंडन का सिग्नेचर भी दिखा देती हूँ. सो इस तरीके से है. ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे गाइज कंप्लीटली रबर सोल है सो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है एंड अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कुशनी मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है सो आप इन्हें काफी टाइम तक पहन सकते हो. ये आपके पैरों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा. फ्रंट में इस तरीके के टाइंग बो डिटेल है. ये बो मुझे बहुत पसंद आई गाइज. बहुत ही एलिगेंट फुटवेयर है. आप इसे फॉर्मली कैजुअली दोनों वे से कैरी कर सकते हो एंड पहनने पे ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इट लुक्स वेरी नाइस एंड डिसेंट. सो ये तो रहा फर्स्ट फुटवेयर. अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट फुटवेयर दिखाती हूँ. सेकेंड जो मैंने फुटवेयर परचेज की है दीज आर बेसिकली फ्लैट्स फ्रॉम द ब्रांड अडोरली. ये शायद इन हाउस ब्रांड है आजियो का बिकॉज अभी तक मैंने ये ब्रांड किसी और वेबसाइट पे नहीं देखा है. चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ. इस तरीके के बॉक्स में ये फ्लैट्स आई थी. ऑल राइट फ्रेंड्स, सो जब इन्हें मैंने फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे देखा था ना मुझे ये तभी पसंद आ गई थी एकदम से. काफी अट्रैक्टिव सा इसका प्रिंट लगा मुझे. एनिमल प्रिंट यहाँ पे दे रखा है. इट कम्स विद दीज बकल डिटेल्स. सो इस तरीके से है. इसमें जो इसका जो साइज है दैट इज ऑल्सो सेम UK 4 एंड EU 37 एंड जो इसका MRP है दैट इज ₹1899 एंड जो इसका एक्चुअल प्राइस मैंने पे किया था दैट इज ₹400. सो 400 में मुझे ये अच्छी सी फ्लैट्स मिल गई थी. इस तरीके के सोल के साथ ये आता है सो ये बिल्कुल भी स्लिप वगैरह नहीं होगा. इसकी एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी फ्रेंड्स वो ये है कि ये जो ये वाला पार्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है सो आपके पैरों को ये हर्ट कर सकता है. ठीक है, तो ये काफी ज्यादा सुंदर लग रही है. ये वाली फ्लैट्स में और भी कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. एक शायद पिंक कलर ऑप्शन है. यहाँ पे साइड पे मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. सो चलिए थर्ड फुटवेयर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. ऑल राइट, सो द थर्ड फुटवेयर इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ बेलीज फ्रॉम द सेम ब्रांड कार्लेटन लंडन. इसकी जो बॉक्स की कंडीशन है वो थोड़ी ठीक है. सो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ. कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये मुझे रिसीव हुई थी. इनका जो कलर है ना फ्रेंड्स ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. इस तरीके के जो कलर्स होते हैं ना वो मैक्सिमम आउटफिट के साथ चल पड़ते हैं. इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर सभी के साथ आप इन्हें कैरी कर सकते हो, फॉर्मली एज वेल एज कैजुअली ऑल्सो. एंड आप देख पा रहे होंगे इसका जो फैब्रिक है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वेरी ग्रेसफुल आई मस्ट से. बेज कलर में है. इट कम्स विद दिस बो बकल डिटेल यू कैन सी एंड यहाँ से भी काफ़ी सॉफ्ट मटीरियल है बिल्कुल एंड रबर सोल के साथ ये आता है. इसका जो साइज है दैट इज ऑल्सो सेम UK 4 एंड EU 37. यहाँ पे भी साइज दे रखा है एंड यहाँ पे ब्रांड नेम भी मैंशनड है. ठीक है, रबर सोल है सो बिल्कुल ही ग्रिप बनी रहती है, आपका पैर स्लिप वगैरह नहीं होगा. इसका जो MRP है दैट इज
1795 एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस मैंने पे किया था दैट वॉज 800 रुपीज़। इसमें कोई भी कलर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। सो ये मेरी फेवरेट बेलीज हैं एंड इस तरीके का कलर मेरे पास अभी तक था भी नहीं, सो मैंने फटाफट इसको ग्रैब कर लिया। फ्लैट्स परचेज करने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए हील्स भी परचेज कर लेती हूँ। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने कोई हील्स परचेज की है आजियो से। सो दीज आर फ्रॉम द ब्रांड एवर क्यूपिड। ये भी शायद इन हाउस ही ब्रांड है आजियो की। काफी लोगों को मैंने YouTube पे देखा था इन हील्स को रिव्यू करते हुए, सो मुझे ये हील्स काफी पसंद आई थी, सो इसीलिए मैंने इन्हें फटाफट से परचेज कर लिया। सो कुछ इस तरीके के बॉक्स में ये मुझे रिसीव हुई थी। यू कैन सी द ब्रांड नेम। दीज आर एवर क्यूपिड स्ट्रैपी चंकी हील्ड सैंडल्स। इसमें आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे एंड मैंने पिंक कलर ऑप्शन परचेज किया है। डस्टी पिंक कलर है ये। स्क्वेयर टो है इसका, आप देख पा रहे होंगे। काफी अच्छा लगता है ये पहनने पे, प्लस ट्रेंड में भी है आजकल ये। इसका जो MRP है दैट इज ₹2199 एंड जो एक्चुअल प्राइस मैंने पे किया था दैट वॉज 700 रुपीज। इसमें गाइज मैंने थोड़ा सा जो साइज है ना वो थोड़ा बड़ा लिया है UK 5 एंड EU 38 बिकॉज वहाँ पे जो साइज चार्ट था ना वो थोड़ा सा अलग था, सो इसीलिए मैंने एक साइज अपने लिए बड़ा ही परचेज किया है। हील हाइट आप देख पा रहे होंगे, इट इज अप्रॉक्स 2 इंचेज एंड ब्लॉक हील है, सो ये पहनने पे भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। क्वालिटी इज़ वेरी अमेजिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी हील्स मुझे मिल जाएंगे। दीज आर वेरी कम्फर्टेबल टू वेयर एंड वैसे भी गाइज जो ब्लॉक हील्स होती है ना वो पहनने में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है। मैंने आपको बताया भी है काफ़ी वीडियोज़ में कि मुझे आई एम ऑलवेज अ फ्लैट्स पर्सन, मुझे हमेशा फ्लैट्स पहनना ही अच्छा लगता है। हील्स मैं बहुत कम पहनती हूँ एंड मैंने इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जब भी हील्स पहनूँ तो मैं ब्लॉक हील्स ही पहनूँ। एंड इसकी हील हाइट भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत कम्फर्टेबल रहता है पहनने पर। एंड एक और बात गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल कुशनी है यहाँ से, यू कैन सी, सो आपके पैरों को ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता है। इवन ये जो स्ट्रैप्स है ना फ्रेंड्स, ये बहुत थिक मटेरियल्स हैं, जो पतली सी मटेरियल होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, काफी थिक मटेरियल की हैं ये स्ट्रैप्स एंड दीज आर ऑल्सो वेरी कुशनी, सो ये बिल्कुल भी आपके पैरों को हर्ट नहीं करेगा। एंड ये जो टो शेप है ना फ्रंट में, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, सो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल गाइज, मुझे तो ये हील्स काफी पसंद आई, आप भी इन्हें डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। एंड इसमें मैं एक सिमिलर जो है इस पैटर्न में मैं एक और कलर परचेज करूंगी बिकॉज ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी पहनने पे। सो दैट्स ऑल गाइज, अगर आपको इन्हें इनमें से कुछ भी परचेज करना हो ना, सो सभी के लिंक मैं आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन जाने से पहले कर देना लाइक। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई लव यू ऑल, नमस्ते।